दुनिया भर की निगाहें इसराइल से ईरान और हिजबुल्ला से हो रही जंग पर लगी हुई हैं। लेकिन इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसा धमाका किया है कि ज़ेलेंस्की के साथ साथ नेटो के 32 देशों की हालत खराब हो गई है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर इतने भीषण बम से हमला किया कि यूक्रेन के सैनिक भाप बनकर उड़ गए। रूस ने 2.5 साल की भीषण जंग के बाद पूर्वी यूक्रेन के एक बहुत बड़े शहर पर कब्जा कर लिया है। जीत लिया बुलेदर, पुतिन ने जीता पूर्वी यूक्रेन। आखिर 953 दिन की जंग के बाद रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में वो कर दिखाया है जिसका इंतजार राष्ट्रपति पुतिन लगभग 3 साल से कर रहे थे। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में ऐसे भीषण हमले किए हैं जिसे देखकर ज़ेलेंस्की बुरी तरह से चकरा गए हैं। पिछले 56 घंटे में यूक्रेनी सेना पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 200 मोर्चों से भाग खड़ी हुई है। रूसी सेना ने टैंक, तोप, बैलिस्टिक मिसाइल और ईरानी ड्रोन से चौतरफा हमले पूर्वी यूक्रेन पर किए हैं। इधर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिरस्की नक्शे पर यही नहीं समझा पा रहे हैं कि यूक्रेनी सेना पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही है। पहले आप ये जान लीजिए कि 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में क्या तबाही मचाई है। रूसी सेना यूक्रेन के साथ अमेरिका और नेटो के 32 देशों को एक तरह से पूर्वी यूक्रेन के वोलेदर में हरा दिया है। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के वोलेदर शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूसी सेना के कब्जे के बाद बचे खुचे यूक्रेनी सैनिक इलाका छोड़कर भाग गए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सेना बुलेदर शहर पर रूसी झंडा तबाह इमारतों पर फहरा रही है। यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र के क्षेत्रीय गवर्नर वादिम फ्लाशिकिन ने भी माना है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के बुलेदर शहर पर कब्जा कर लिया है। अब तक रूसी सेना यूक्रेन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुकी है जो यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का लगभग 20% इलाका है। रूसी सेना अब तक लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ापोरिज़िया, खेरसान पर कब्जा कर चुकी है। Доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків, наші можливості подальші і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. Нігал гая юкрейній сенік. ODAB 9000 бомка дхамака. ढाई साल से ज्यादा लंबी जंग में यूक्रेन आज ऐसे ट्रैप में फंस चुका है जहां एक तरफ नेटो ना तो खुलकर यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने को तैयार है और ना ही यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो रूस से सीधी जंग करने को तैयार है। ज़ेलेंस्की का यूक्रेन इस वक्त बर्बादी के उस बारूद पर बैठा है जहाँ सिर्फ और सिर्फ तबाही है। पिछले 48 घंटे में राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में बाजी पूरी तरह से पलट कर रख दी है। ज़ेलेंस्की को भी पिछले 18 घंटों में एहसास हो चुका है कि नेटो यूक्रेन को धोखा दे रहा है। जरा देखिए ज़ेलेंस्की को ऐसा क्यों लग रहा है। पहले आप इन 3 वीडियो की तस्वीरों को बारी बारी देखिए। पूर्वी और उत्तर पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना ने ऐसे भीषण बम से हमला किया है जिसके बारे में यूक्रेनी सेना ने सोचा भी नहीं था। रूस ने पूर्वी और उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर ODAB 9000 वैक्यूम बम से हमला किया है जिसके धमाकों की लहरों ने यूक्रेनी सैनिकों के जिस्मों को एक तरह से चूस लिया है, या ये कहें कि बम का धमाका यूक्रेनी सैनिकों को निगल गया। दूसरे वीडियो में आप पुतिन के बेहद करीबी सरगई शोइगु को देख सकते हैं जो बम की फैक्ट्री में ODAB 9000 को देख रहे हैं। ये बम किसी परमाणु बम से कम नहीं है ऐसा दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि जब इस बम को पूर्वी और उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर दागा गया तो यूक्रेनी सेना इसके सामने पूरी तरह से ढेर हो गई।
रूसी और यूक्रेनी मीडिया के दावों के मुताबिक ODAB 9000 बम से ये भीषण धमाका उत्तर पूर्वी यूक्रेन के वोवचांस्क शहर पर किया गया है। उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र के इस सीमावर्ती शहर वोवचांस्क में यूक्रेनी सेना का 60% इलाके पर कब्जा था, लेकिन रूसी सेना ने जैसे ही ODAB 9000 बम से हमला किया, यूक्रेनी सेना मोर्चा छोड़कर भाग खड़ी हुई। ODAB 9000 बम को सभी बमों का बाप माना जाता है। क्रेमलिन समर्थक सूत्रों का दावा है कि ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियारों में से एक है। उत्तर पूर्वी खार्किव ओब्लास्ट के वोवचांस्क शहर पर इस वैक्यूम बम को गिराया गया है। ODAB 9000 3 टन का ग्लाइड बम है, जिसके हमले से बचना लगभग असंभव है। वहीं ODAB 3000 थर्मोबैरिक बम है, जो भीषण धमाका होते ही ऑक्सीजन सोख लेता है। इंटरनेशनल युद्ध नियम और कानूनों के मुताबिक ODAB बम का इस्तेमाल करना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन रूस नियम और कानूनों की रत्ती भर परवाह नहीं कर रहा है और पूर्वी और उत्तरी यूक्रेन के चीथड़े उड़ाने में लगा है। Резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Вищим командуванням надано дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки та зайняття положення для ведення подальших дій. Багі Україні сина, хоф ми Зеленський. हैरानी की बात तो ये है कि जब यूक्रेन ने 6 अगस्त 2024 को रूस के कुर्स्क में भयंकर हमले किए थे, तब भी अमेरिका ने यूक्रेन का खुलकर समर्थन नहीं किया था। अब हालात ये हो गए हैं कि जैसे ही पुतिन को पता चला कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे नेटो देश यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने की तैयारी कर रहे हैं, पुतिन ने तुरंत सभी नेटो देशों को धमकी दे दी कि अगर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला हुआ तो रूस और नेटो के बीच बेहद विनाशक युद्ध शुरू हो जाएगा। अब 10 हफ्ते बाद हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेनी सेना को पूर्वी और उत्तर पूर्वी यूक्रेन से भागना पड़ रहा है। पूर्वी यूक्रेन के बुलेदर शहर से यूक्रेनी सेना का भागना ज़ेलेंस्की और बाइडेन के मुंह पर पुतिन का जोरदार तमाचा है। जरा देखिए बुलेदर से यूक्रेनी सेना क्यों भागी। बुलेदर डोनेस्क क्षेत्र में यूक्रेन का सबसे प्रमुख इलाका था, जिस पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना लगभग 2 साल से कोशिश कर रही थी। पिछले 2 सालों से यूक्रेन की 72वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड बुलेदर को बचाने में जुटी थी,